पटरी पर चलता फिरता होटल, राजसी ठाट और महाराजा वाली फीलिंग, ये सब चाहिए तो साहब चले आइए भारतीय रेल की महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन में। महाराजा एक्सप्रेस इस साल भी अपने राजसी सफर के लिए तैयार है और 23 डब्बों वाली इस ट्रेन में 88 लोग राजसी सफर का आनंद ले सकेंगे। ट्रेन का खाना किसी 7-स्टार लग्जरी होटल से कम नहीं। ये दो तस्वीर देखिए, ये है भारतीय रेल की राजधानी ट्रेन का किचन और ये है महाराजा ट्रेन का सबसे साफ सुथरा किचन। जो हम अपने व्यंजनों में, वेरियस व्यंजनों में यूज़ करते हैं, वो सारे वर्ल्ड क्लास हैं। और इस किचन को हमने दो भागों में बांट दिया है। इधर हम मल्टी क्यूजीन और कॉन्टिनेंटल करते हैं, उस साइड हम लोग सिर्फ इंडियन और पैंट्री एंड बेकरी कन्फेक्शनरी करते हैं। जापान से और आपको जापानीज फूड चाहिए तो आपको इस ट्रेन, चलती ट्रेन पे जापानीज फूड भी मिलेगा। तो हम लोग बिल्कुल मना करते ही नहीं अपने किसी भी गेस्ट को किसी भी खाने के लिए। मेरा एक्सपीरियंस इस ट्रेन के साथ ऐसा है कि हर रोज़ हम लोग दो मील्स देते हैं इस ट्रेन पे, जिसमें से जो भी हमारा गेस्ट होता है वो एक मील तो कॉन्टिनेंटल खाता है, दूसरी डेफिनेटली इंडियन खाता है। और स्पेशली हमारे डिनर्स में हमने थाली रखी है, तो जैसे जैसे हमारी ट्रेन बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे मैं अपनी क्यूजीन चेंज करता जाता हूँ। जैसे आज मैंने राजस्थानी थाली दी है, कल मैं पंजाबी दूंगा, परसों कश्मीरी दूंगा, उसके बाद गोवन क्यूजीन दूंगा, एक दिन साउथ इंडियन थाली दूंगा, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर कॉस्ट आप मेरे से पूछे तो जी हाँ, जो भी खाना ऑन बोर्ड बन रहा है तो वो तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव है सर। वो इसलिए एक्सपेंसिव है कि एक पहली बात तो सारा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स सारा ऑर्गेनिक है। जो स्पाइसेस एंड हर्ब्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, दे ऑल वर्ल्ड क्लास। सी फूड सारा इम्पोर्टेड है सर, एंड एवरीथिंग इज जस्ट वर्ल्ड क्लास। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं इस ट्रेन के खाने का मज़ा, तो जनाब जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ एक प्लेट की कीमत 35,000 से भी ज़्यादा है और सफ़र करने के लिए खर्चने होंगे 4 लाख से 15 लाख रुपए। न्यूज़ ब्यूरो।